सबसे पहले हमें फ़ोटोशॉप लेना है, यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाके आपने एक लेना है बैनर, तो उसके लिए वेब ले लिया हमने यहाँ पे साइज, यहाँ से हमने इसका साइज़ ले लिया 1154x864 और रेजोल्यूशन हमने उसके रख ली 300 पर, ओके कर दिया। अब ये तो बहुत ज़्यादा है हाइट इसकी, तो इमेज में जाके इमेज साइज़ पे जाके हम इसकी हाइट को कम कर लेते हैं। अब इसकी चौड़ाई अलग है, बजनी 3.84 इंच है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ इसको 6 इंच इसकी विड्थ रख लेता हूँ और जबकि 2 इंच इसकी जो है हाइट रख लेता हूँ, और जैसे इसको क्लिक करके ओके करूँगा तो ये देखिए प्रॉपर साइज़ उसका निकल आया जो उसका वहाँ पर था, सही। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए ये क्या चीज़ हो रही है इसके ऊपर, तो यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर ये लेयर है, इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करेंगे, पैंट बकेट चुन लेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से रेड कलर डाल लेते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर एक शेप ले लेते हैं, यहाँ से ये शेप बनाया इसके ऊपर, शेप पे कलर हमने यहाँ से फिल कर दिया वाइट और स्ट्रोक उसके कर दिया हमने नो फिल, क्लिक किया, मूव टूल पे कंट्रोल टी दबाया और यहाँ से ऑल्टर के साथ इसको दोनों साइड पे ड्रैग किया, ठीक है, और इसको और ड्रैग किया और उसको थोड़ा सा नीचे ले गया, ठीक है, क्लिक किया हमने यहाँ से अप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, हम यहाँ से जाके ओके कर दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मामला है पिक्चर वाला कैसे डन होगा, देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेप लेना पड़ेगा सर्कल का जो उस तरह से बनाए जैसे आप दिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक इस तरह का बना हुआ सर्कल है, ये इस तरह का, ठीक है, और इस पर कोई भी कलर आप फिल कर दें फिलहाल, और इसको उठा के इतने हिस्से पे, गलती ये हुई दोनों एक लेयर पे नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग लेयर पे लें और यहाँ से लेके इसको यहाँ से उठा के हमने जैसे दिखाना है उसको वैसे रख दिया, ठीक है, इस हिस्से में पिक्चर दिखानी है, ठीक है। अब क्या करना है, वो पिक्चर जो आपने दिखानी है वहाँ पे जाना है, ओपन करें वो पिक्चर कौन सी दिखानी है, जैसे ये पिक्चर दिखानी है इसको, ठीक है, तो ये पिक्चर ली, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये पिक्चर अलग से आ गई। अब पिक्चर को हैंडल करने के लिए कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करेंगे आप इसके ऊपर, ऑल्टर शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक करेंगे ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी लेंगे। अब ये पिक्चर इस साइड पे मैं इसको ऐसे पलटना चाह रहा हूँ, तो एडिट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे फिर ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको ये पिक्चर इस तरह से ये हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ मैं, या इसको छोटा कर ले, देखिए कितना हिस्सा कौन सा विजिबल करना चाह रहे हैं आप, लेट्स सपोज ये हिस्सा विजिबल करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे इसको, क्लिक करेंगे अप्लाई, ठीक है। अब पिक्चर ऊपर है और ये शेप नीचे है, पे राइट बटन दबाएंगे और करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो जो शेप के एरिया में जो पिक्चर का हिस्सा आ रहा था वो आपको विजिबल हो जाएगा और बाकी हिस्सा उसका इनविजिबल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसकी आउटलाइन बनानी है, इसका कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेना है, कंट्रोल टी करके इसको आपने इस तरह से बड़ा करना है, तो ये देखिए बाकी हिस्सा शेप का वो भी नज़र आने लग जाएगा ये वाला। इस पर कलर वाइट भरना है, क्लिक करें वाइट कलर यहाँ से लेने, ओके कर दें, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो ये इस तरह आप बना सकते हैं जैसे भी चाहें। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, तो अब तो आपने सिर्फ इस पर टेक्स्ट ही लिखना है, स्कूल नेम प्री स्कूल प्लेग्राउंड वगैरह, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट लिखने के लिए, हमने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, क्लिक कर लिया, वाइट कलर ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है, क्लिक किया और उसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा बड़ा कर लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से क्लिक किया और क्लिक किया, कंट्रोल टी दबाया और यहाँ से ऑल्टर शिफ्ट कर दिया, इस तरह से हमने बड़ा सा नाप इसके ऊपर डिस्प्ले कर लिया, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेते और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे लिखना है हमें, अब वो बहुत ज़्यादा छोटा फॉन्ट आ रहा है, हालांकि आना नहीं चाहिए क्योंकि 100% पे जूम नहीं कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे दिखा करें 100% पे जूम करना हो, ये 100% हो गया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया हमने, यहाँ पे लिख दिया कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लिखने के बाद हमने क्लिक किया कंट्रोल टी, कंट्रोल टी ऑल्टर शिफ्ट दबा के रखें तो ये चारों साइड पे यकसां तौर पे बढ़ेगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये दो रोज़ में आना चाहिए, इतना बड़ा फुल नहीं सही लग रहा, तो फिर इंटर कर दें यहाँ पे,
और यहाँ पे इनके गैप को कवर करने के लिए आपको ये कैरेक्टर का पैनल खोलना है, पैलेट ये मिलेगा आपको यहाँ पे कैरेक्टर। तो यहाँ से आप इसको फ्रंट साइज़ को यहाँ से देखेंगे और इनकी जो बीच की गैप है वो यहाँ पर आप देखेंगे। ये हटाइए पहले, इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो हुआ हुआ है, सही है। यहाँ पे भी थोड़ा बोल्ड कर दें यहाँ पे, ताकि और बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये इनके लाइन स्पेसिंग के बीच का, आई थिंक सो लाइन स्पेसिंग इसका कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इसका साइज़ है, ठीक है। और ये इसकी 100% थिकनेस आ रही है, लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल ली ऑलरेडी इसका। ये देखिए यहाँ से कंट्रोल करेंगे 9, 12, 36, 48, ठीक है, हो गया कंट्रोल। ये उठा के आपने यहाँ पे इस तरह से मच बेटर दिखा होगा उससे, सही। यहाँ लोगो वगैरह अगर आपके पास फोटो में है तो वो लोगो यहाँ पेस्ट कर देंगे। बाकी रह गई ये, तो यहाँ पे अपने कोर्सेज के नाम लिख सकते हैं। सपोज टू मी यहाँ अपने कोर्सेज के लिए एक अलग फॉन्ट ले लिया, अभी जो हम फॉन्ट यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर हमने एक ये वाला फॉन्ट लिया। थोड़ा थिक फॉन्ट लेंगे ताकि फॉन्ट जो है उसमें सही रहे। तो ये हमने कोर्स का नाम लिखा, फिर कंट्रोल टी किया, ऑल्टर शिफ्ट के साथ बड़ा किया, जो हमारे कोर्सेज है वो हमने यहाँ पर लिख देना है। क्लिक किया यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल किया, यहाँ से क्लिक किया, ब्लैक कलर दिया इसको, ओके कर दिया, क्लिक किया, यहाँ पर रख दिया इसको। अब अगर आपको ब्लैक कलर के अलावा कोई और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और क्लिक करके कंट्रोल टी दबा के थोड़ा छोटा कर लेते, क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट कर दिया हमने लेयर का, और ये हमने अलग से ले लिया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, ऐसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो उसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे, और यहाँ से हमने इसको दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया, कंट्रोल टी किया। इनके लाइन स्पेस को वर्टिकल जो था उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ए कर लिया, 38 का एक सिंपल था, यहाँ पे 48 कर दिया, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल डी, ऑफिस ऑटोमेशन क्लिक किया हमने, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके इक्वल कर लेते हैं इसको यहाँ पे, और इसी तरह से कंट्रोल जे करके हमने आगे वो ले लिया। ठीक है, सबको एक स्ट्रेट लाइन करने के लिए चारों को सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, चारों के लेयर्स को, यानी कि SEIT और DIT चारों लेयर्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, ये आप यहाँ से इसको कर सकते हैं सेंटर टॉप पे अलाइन कर लें। तो देखिए सारे के सारे टॉप पर अलाइन हो गए एक साथ नज़र आ रही है, ऊपर नीचे। अगर बॉटम पर करना चाह रहे थे तो आप यहाँ से क्लिक करके ये बॉटम अलाइन कर लें, ठीक है। इस तरह से जैसे चाहेंगे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। अब अगर 100% पे करके देखें तो हमारे बैनर में ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। फिर भी अगर हमें लग रहा है कि इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम है क्योंकि जूम करके ज़्यादा दिख रहा होता है, तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाएंगे और अल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे सबको ही एक साथ बड़ा कर लेंगे और उसको यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देखें इस तरह से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस इसके अंदर ज़्यादा हो गया ADIT वाले में, तो इसको थोड़ा सा क्लिक करके इसके साथ इनके साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल बॉटम लाइंस में कॉल फॉर हिम एंड कॉल कॉन्टैक्ट वगैरह, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट के लिए हमने जो है यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऐसे कॉन्टैक्ट लिख लिया हमने, कंट्रोल ए किया और यहाँ से हमने फॉन्ट के कलर को यहाँ से वाइट कर दिया इसको, कंट्रोल टी दबाया और
मूव टूल लेके कंट्रोल टी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट किया और उसको ऑल्टर के साथ थोड़ा ऊपर खींच दिया, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाई कर दिया, क्लिक कर दिया, अप्लाई कर देंगे इसको। कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कोई दूसरा कॉन्टैक्ट है तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ये स्प्रे कर सकते हैं, लोगों को ही लगा दीजिएगा यहाँ पे, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे।